देश विदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर खबर पर है हमारी पहली नजर। नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। डीआईजी जगतराम जोशी जी द्वारा लॉकडाउन के दौरान गरीब बेसहारा लोगों की मदद करने वालों को आज डीआईजी महोदय ने किया सम्मानित। आपको बताते चले, डीआईजी जगतराम जी ने सभी उन 35 लोगों को कोरोना वॉरियर्स घोषित कर सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपना योगदान दिया। अगर हम बात करें उत्तराखंड पुलिस की, तो हमारी उत्तराखंड पुलिस की भी इसमें बड़ी भागीदारी है और साथ ही समाज सेवक भी इसके बहुत ही बड़े भागीदार हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की परेशानी को अपना समझकर तन मन धन से साथ देकर यह साबित कर दिया कि आज भी इंसानियत जिंदा है। अगर हम बात करें जगतराम जोशी जी की, जो लॉकडाउन के दौरान बेसहारा परिवारों के मसीहा साबित हुए हैं, जिन्होंने मदद करके यह साबित कर दिया पुलिस आपकी दुश्मन नहीं, आपकी दोस्त है। डीआईजी महोदय ने हर तरीके से मदद की, चाहे वह राशन हो या फिर खाना हो, सबके घर घर जाकर खुद अपने हाथों से उनकी मदद की। ऐसे लोग देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। साथ ही बनबुलपुरा थाना एसओ सुशील कुमार, एसआई धर्म सिंह, एसआई संजीत राठौर, एसआई कुसुम रावत को भी कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। तो दूसरी तरफ काठगोदाम थाने के थाना अध्यक्ष नंदन सिंह रावत जी को और मुखानी थाने के थाना अध्यक्ष भगवान मेर को भी सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित किया गया। अन्य सामाजिक संगठनों में थाल सेवा, रोटी बैंक, पाल ग्रुप के सभी कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर सर्टिफिकेट देकर डीआईजी महोदय ने सम्मानित किया। साथ ही सभी कोरोना वॉरियर्स को बधाई भी दी। थाल सेवा के अध्यक्ष ने गरीब बेसहारा डीआईजी महोदय के हाथों से छाता देने का वादा भी किया। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से राजेश रस्तोगी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। जिस तरीके से आज डीआईजी सामने आप लोगों को सम्मानित किया है, आपने लॉकडाउन के दौरान जो सेवाएं दी हैं लोगों को, उसको लेकर आपको सम्मान किया गया, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मेरा होगा। देखिए, जो सम्मान है ये इससे हौसला बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छे काम आगे करें। अभी लॉकडाउन में हम लोगों ने करीब 90,000 भोजन पैकेट बांटे, 2800 भोजन किट बांटी, तो ये कहीं ना कहीं प्रेरणा हमारे को डीआईजी साहब के द्वारा ही मिली। हालांकि हम थाल सेवा 5 रुपये में भोजन हम पहले से करते आ रहे थे, लेकिन इनके द्वारा हमारे को ये कहा गया कि भाई शहर में जो परेशानी है उसको आप हमारे साथ थोड़ा सा एक मिशन में शामिल होइए, तो कोई जना हमारे को मोटिवेट करता है। और आज भी जो एक सम्मान समारोह हुआ ये भी एक मोटिवेशन का है, और भविष्य में हम कुछ गरीब लोग हैं जो ट्राईसाइकिल पर चलते हैं या कोई ऐसे जो सड़क किनारे सब्जी बेच रहे हैं, उन लोगों को हम एक छाया सेवा यानी तो छाता हम उनके ऊपर एक लगा रहे हैं, और ये कार्यक्रम हमारा 2 या 3 दिन में हमारा शुरू हो जाएगा। और शहर में हमें उम्मीद है कि करीब 100-150 लोग जैसे भी जो हमारी ज़रूरत के हिसाब से सामने आएंगे, उनको हम एक छाया सेवा या एक तरीके से एक आसरा या कहना चाहिए धूप से बचाने का एक हम एक प्रयास यहाँ पे सेवा के रूप में करेंगे। तो हम सबको मिलकर के जब तक ये समाप्त नहीं हो जाता है तब तक हमें अपना फुल पावर के हिसाब से सबको काम करना है, और जो भी नीडी लोग बाग है, जहाँ किसकी ज़रूरत है, जहाँ मदद है, वहाँ हम सबको आगे बढ़ करके उनकी मदद करनी है। डीआईजी साहब आज ये सम्मान देकर हौसला बढ़ाया है सबका। देखिए, एक छोटा सा एक हौसला, जो भी कुछ आप कहिए, मैं तो ये कहूँगा कि इन्होंने इतना काम किया है, ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी चीज़ है कि हमने इनको सिंपली एक प्रशस्ति पत्र दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जरूर थोड़ा सा मोटिवेशन। लॉकडाउन में आपका काम हमने सबसे शानदार देखा, अगर पुलिस में अगर आपका काम देखा तो हमने शानदार काम आपका देखा, आपने लोगों की मदद की। सर, ये अभियान आगे भी जारी रहेगा, बरकरार।